नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र हैं, जिन छात्रों ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन किया था, तो उन सभी छात्रों के लिए आज की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती हुआ रद्द, एंड अब इस नए सिरे से किया जाएगा आपका भर्ती। एंड ये डॉक्यूमेंट जरूर रखिए, तैयार रखिए, एंड अब सिर्फ इन लोग ही आवेदन कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानने को मिलेगा। बस आप सबको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर सकूं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप सब स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है कि यूपी पंचायत सहायक रिक्वायरमेंट 2021, क्या पंचायत सहायक भर्ती की चयन प्रक्रिया में होगा बदलाव। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको सबको डिटेल से मिल जाएगा। बस आप सबको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में होने वाली पंचायत सहायक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मतलब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। खबर है कि न्यायालय में पंचायती राज विभाग के ऊपर मुख्य आयुक्त से इस भर्ती की चयन प्रक्रिया और वैधता में जुड़े कुछ सवालों के जवाब के मांगे हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद गाइस आपको मैं स्केल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक डाटा कम एंट्रीज, सॉरी यहाँ पे कम एंट्री ऑपरेटर कम एंट्री पदों पर, यहाँ पे देखिए एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन उम्मीदवार की तैनाती पर मुश्किलें आ रही हैं। इतना ही नहीं, अब मामला हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुँच चुका है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस भर्ती के संबंध में पंचायती राज विभाग के ऊपर मुख्य सचिव से कई सवाल किए हैं और सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने की बात कही है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की संबंधित ग्राम पंचायत का मूल निवासी कोरोना पीड़ित की मृत्यु होने पर परिजनों को वरीयता और जिस जाति वर्ग का ग्राम प्रधान होगा उसके हिसाब से उम्मीदवार का चयन आदि नियमों को लेकर कई अभ्यर्थियों का सवाल उठाए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान में लेते भर्ती में चयनित उम्मीदवार को तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि 13 अक्टूबर के होने वाली अलग सुनवाई तक चयन प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। अगर आप अपनी किसी भी अन्य सरकारी नौकरी के सवारी, यहाँ पे देखिए एड्स कुछ हैं, यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है कि कितने पदों पर अभी तक हुआ है चयन, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार की लिस्ट देखने पर पता चलता है कि अभी तक 58,189 पदों में केवल 26,350 यानी महज 51% उम्मीदवारों का चयन किया जा सका है, जबकि यह चयन प्रक्रिया 17 सितंबर तक पूरी कर योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति दी जानी थी। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने सब कुछ पढ़ ही लिया हुआ। अब गाइस मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ मैंने आपको 10 दिन पहले ही बताया था कि इसी प्रकार से मनरेगा मेट की भर्ती आई थी, वहाँ पे भी जब फॉर्म फिलअप होने लगे थे तो फॉर्म फिलअप करते समय ही जितने भी इशू निकाले गए कि फॉर्म अप्लाई करने का पोर्टल ही नहीं खुला। जो छात्र मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको ये वीडियो पता भी होगा, तो मैंने उनको कई बार मैंने बताया था कि देखिए गवर्नमेंट इतनी लापरवाही कर रही है, इतना बच्चों के साथ छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कोई जब जॉब आपको देना नहीं है तो आपको वहाँ पे उसका प्रचार क्यों करना है आपको। मैं आपको गाइस एक चीज़ कंप्लीट बता दूँ, ऐसे ही सेम हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जब मनरेगा मेट भर्ती में आया। मैं आप सबको एक ऐसे ट्रेंडिंग वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस वेबसाइट के माध्यम से आपको कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हो या लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी हो तो या लेटेस्ट गवर्नमेंट एडमिट कार्ड हो तो आपको सिंपल में आना है naukritime.com, क्लिक करना है गूगल पे। गूगल पे क्लिक करने के बाद इसके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर प्रकार की लेटेस्ट जॉब हो या लेटेस्ट एडमिट कार्ड हो या लेटेस्ट आपका वैकेंसी हो आप इस साइट के माध्यम से जान पाएंगे या आपका कोई लेटेस्ट रिजल्ट हो। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट विजिट करके आप अपने रिजल्ट के बारे में या आप एडमिट कार्ड के बारे में या अपने लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में जान पाएंगे।
आया था तो वहाँ पे बहुत से छात्र फॉर्म करने के लिए परेशान थे, लेकिन साइट खुला ही नहीं। और इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जिन छात्रों ने, तो इसमें क्या है, पंचायती राज का साइट ही नहीं खुल रहा है। मतलब सेम चीज़ ये दोनों में है, मनरेगा मेट में उसका साइट नहीं खुल रहा था जिस साइट से अपलोड किया जा रहा था, मतलब किया जा रहा था, इसमें पंचायती राज साइट को बताया गया था ये साइट नहीं खुल रही हैं। तो आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सबका तो रद्द हो ही चुका है, अब सबका ही रद्द हो जाएगा। अब नए सिरे से इसका आपको, नए सिरे से आपका जो भी फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा उसको भी मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ताकि आप सब तैयार रखिएगा। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर इस बार नए तरीके से अप्लाई होता है तो आपको ये से समझ ले कि जरूरी नियम। तो नियम क्या है, आपके आवेदन फॉर्म में 10वीं 12वीं, यहाँ पे देखिए 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित जाति का सर्टिफिकेट आदि जरूरी हो, और अन्य सच्ची योग्यता संबंधी दस्तावेज जरूरी होने चाहिए। तो गाइस इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, आपका नए तरीके से आवेदन किया जाएगा, नहीं तो इसे रद्द ही कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। ऐसा होगा, 100% होगा। अभी आप लोग को ये बुरा लग रहा होगा ऐसे सुन के, लेकिन गाइस आप लोग 10 से 15 दिन के अंदर देख लेना ऐसा न्यूज आएगा। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि ऐसे जैसे आपको हुआ था वहां पे मनरेगा मेट में हुआ था, वैसे सेम यहां पे भी होगा, होना तय है। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में कई हमेशा कार्य करते हैं, हम सबको पता होता है कि किन छात्रों, किन साइड में कौन सी वैकेंसियां आ रही हैं और कौन सी वैकेंसियां रद्द हो जा रही हैं, क्या कारण बन रहा है, क्यों रद्द हो रही हैं। तो वही सेम चीजें ग्राम पंचायत सहायक में भी लागू हुआ जो मनरेगा मेट में हुआ था। तो इससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आपका रद्द होगा। एंड गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए मैं आप सबको अपडेट करा सकूं। आप सबको कोई भी मेरिट पे जॉब मिलेगा, कोई भी जॉब आएगा आपको मैं तुरंत से प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।